अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख अब्दुल कय्यूम और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ खूबसूरत बनने के लिए खूबसूरत तरीके से खूबसूरत टिप्स। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी जो पंजाब कॉलेज से जिनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर आसिम शुजाई साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। खूबसूरती से करें बातें तो खूबसूरत लोग खूबसूरती से करें बातें, लिहाजा आपको मैं वेलकम करता हूँ सर अपने शो में। और सर, आपको बेसिकली बुलाने का मकसद ये है हमारा कि सर, आप जो पढ़ाने वाले लोग हैं, आप जो तदरीस सिखाने वाले लोग हैं, जो हमारी नई जनरेशन को आप बेसिकली बुनियादें रखने वाले लोग हैं, आप उनके मेमार हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो बच्चियां हैं उनकी कॉस्मेटिक्स के बारे में या उनको खूबसूरत नज़र आने के लिए क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं और ये एक तरह से खिदमत भी है जो आप प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे हैं। तो उसमें ये जो अवेयरनेस है जिसका आपने पहला ही सवाल किया है, ये बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे यहाँ। आपको पता है कि कॉस्मेटिक्स के हवाले से जो आपने सवाल किया, उस हवाले से बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बहुत सारी जो है ना, जो ख्वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, खुद हम भी उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी स्किन के बहुत ज़्यादा जो है ना वो इशूज़ आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो यानी अननेचुरल कॉस्मेटिक्स हैं वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसके मसाइल भी आ रहे हैं, बहुत से मसाइल आते हैं इसमें। मेरा ख्याल है कि जो ऑर्गेनिक टाइप के हैं यानी नेचुरल टाइप के जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है जल्दबाजी बहुत है, तो लोग जो हैं वो जल्दबाजी से काम लेके जो नेचर से दूर होते जा रहे हैं। जब आप नेचर से दूर जाते हैं तो मसाइल आते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि पुराने दौर में लोग जो हैं वो नेचर के करीब रहा करते थे, तो वो बहुत ही सेहतमंद, हशाश बशाश और बहुत ही एक्टिव रहा करते थे। लेकिन अब जो नेचर से दूर हुए हैं, हमारे शहरों की आप हालत देख लें, दरख्त काट लिए और स्कीमें बना दी, मतलब सारा जो ग्रीनरी हुआ करती थी यहाँ लाहौर में पहले कभी, तो उसके क्या इफ़ेक्ट हुए कि वो मौसम ही बड़ा बेईमान हो गया। ऐसी ऐसी बिल्कुल सही कह रहे सर आप। देख रहे हैं ना कि हम अब वो मौसम हमारे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, गर्मी बहुत शिद्दत की आ जाती है, सर्दी आती है तो उसमें शिद्दत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि नेचर से हम दूर हो गए। इसी तरह हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं, वो जब कॉस्मेटिक्स की जो केमिकल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, जैसे मेलामाइन होता है आपकी स्किन में, तो अगर वो थोड़ा सा फैले, उसको फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसे ब्यूटीफुल नज़र आता है, स्किन वाइट नज़र आती है। ये बिल्कुल अननेचुरल तरीके से उसको फैलाएंगे तो जाहिर है वो ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो क्लोज होता है तो वो डार्क होता है। असल में ब्यूटी जो है वो, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमारे यहाँ जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है वाइटनिंग, यानी वाइटनेस कर दें चेहरे के ऊपर अननेचुरल वे से, ये ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी का लफ्ज़ जो ब्यूटी है इसका मतलब है यानी सिमेट्री, जैसे इंग्लिश में बेल्सिंग सिमेट्री, सिमेट्री होनी चाहिए फेस में। ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप वाइट स्किन कर लें तो बहुत ज़्यादा डार्क हो, ये नहीं, ये ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में नहीं आती। तो इसके लिए मेरा ख्याल है जो नेचुरल, जो ऑर्गेनिक किस्म के जो मतलब यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे हमारी कंपनी जो है वो भी इस तरह से जी जैसे बॉनिक कर रही है या लिबॉन कर रही है, लिबॉन कर रही है, ऑर्गेनिक कर रही है, बिल्कुल। तो इस तरह से अगर वो हो तो हम भी ये अवेयरनेस कोशिश करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात हम पहुँचाएँ। बिल्कुल सर, ऐसा है। और नेचुरल तरीके से जैसे फेस वॉश अगर आप नेचुरल तरीके का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, ना कि हाँ ऐसा करेंगे जो बहुत ज़्यादा सोपी हो। इससे बेहतर है कि सर्फ इस्तेमाल कर लीजिए, सर्फ एक्सेल। तो सर ऐसी चीज़ है। लेकिन जी, बहुत शुक्रिया सर का और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, व्यूवर्स का, और हमें अपनी जो बेहतरीन जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारे साथ, जैसे टीचर बहुत शानदार हज़रात हमारे साथ तशरीफ़ लाते हैं, तो डे बाई डे हम आपके लिए नए नए लोगों को लेकर आते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो जिनका तजुर्बा है, जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है या जिन्होंने उसको स्टडी किया है।
तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपके कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाब कॉलेज की शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम आने का। अगर आपने कोई भी सवाल करना हो हमसे, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, ब्यूटी के बारे में पूछना हो या नेचुरल चीज़ों के बारे में पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, प्लस आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा जो जो हमारी नई नई वीडियोस आती रहती हैं आप उनको देख सकते हैं, आप तक पहुंचेंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सेकंड ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स से रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हामिद व नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।